हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे पहले ब्लॉग में, माय फर्स्ट ब्लॉग। फिलहाल टाइम हो रहा 7:50। आप लोग सोच रहे होंगे इसका टाइटल मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि माय फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस, ये आज एक एक क्वेश्चन है कि आपने फर्स्ट ब्लॉग कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। तो उसका जवाब मैं आप लोगों को बता के नहीं दिखा के दूंगा। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉग क्यों बनाया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये बात है उन दिनों की जब मैं निकेत चंद्रवंशी ब्लॉग को छोड़ के मेरे पास एक और चैनल था एके संग, जिसपे मैं वाइंस कॉमेडी वगैरह सब कुछ बनाया करता था और उस पर व्यूज नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आते थे। बहुत मेहनत करके मैं एक वीडियो लाता था, तब जाके व्यूज आते थे कुछ 200-300। तो मैंने उसको बनाना बंद कर दिया। फिर मैं तब डिसाइड किया कि मैं कुछ और करूंगा। फिर कुछ और करते करते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपने DSLR कैमरे की तरफ देखा, उसको हाथ में लिया और इस तरह से यू पकड़ा और मेरे दिमाग में उसी दिन ये ख्याल आ गया था कि अब मैं बनाऊंगा भाई आज से अनिकेत चंद्रवंशी ब्लॉग। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे अनिकेत चंद्रवंशी ब्लॉग अब रोज बनाना है। 365 ब्लॉग्स का मैंने टारगेट रखा था। हेलो गाइस, फिर से एक बार हेलो, क्योंकि ये है हमारा फर्स्ट ब्लॉग। तो अब दिखाएंगे हम आपको हमारे डेली लाइफ के बारे में अनिकेत चंद्रवंशी ब्लॉग में। कितने पराठे का नाश्ता करके जाता है भाई सुबह सुबह? कल रात में भाई गाड़ी की पूरी बैटरी डेड हो गई है, तो उसको किक दे दे के मेरे पैर में दर्द हो गया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई तक। किक दे दे के मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। किक देना चाहेगा? 10 किक दे ले, अगर स्टार्ट जाती तो ठीक है, वरना बुलेट चलेंगे। पवन भी थक गया कि देते थे। कुछ उम्मीद की किरण नजर आई? इस खटारे को साइड कर दे, इधर से गाड़ी वाड़ी निकलती है, एकदम कोने में सटा रख देना उधर। ये गाड़ी लेके स्कूल जा रहा फोन? ठीक है, जा। बाय बाय। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया, अब कुल्हड़ वाली चाय भैया के हाथ की। चाय पीते पीते सबको वीडियो शेयर भी कर देता हूँ साथ में ही। मैं घर जा रहा था, मेरी गाड़ी इधर मोड़ दी थी मैंने, फिर वापस यू टर्न लेके आ गया, क्योंकि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कहीं घूमने के लिए और आपको दिखाऊंगा कुछ नई चीजें। घूमने के लिए निकलो तो मच्छर परेशान करते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा है इधर, मगर कोई बात नहीं है। वैसे तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि घूमने कहाँ जाना, लेकिन इस एरिया में जाऊंगा, ये पहाड़ी इलाका दिख रहा है, इसमें जाऊंगा कहीं ना कहीं घूमने के लिए। और पीछे भी एक मस्त वाला पहाड़ है, लेकिन इस पर नहीं चढ़ूंगा मैं। गूगल मैप पे देखते हैं यहाँ पे घूमने वाली कौन सी जगह है। एक बालाजी की मंदिर है यहाँ पे, यहाँ जाना है मुझे, यहाँ से 2.4 किलोमीटर दूर है, यानी 9 मिनट लगेगा। तो चलते हैं भाई हम लोग आगे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया जाना किधर, थोड़ा गूगल मैप का सहारा लेता हूँ। तो आगे से लेफ्ट जाना है, यहाँ पे चौराहा आ गया, 1, 2, 3 ऐसे रास्ते आ गए, अब कंफ्यूजन हो गया जाना किधर। भैया यहाँ से गठीला के बालाजी किधर जाएंगे? अच्छा ये रास्ता जा रहा है। 1, 2, 3 और 4 चौराया फिर से आ गया और कंफ्यूजन। अच्छा सामने जाना है मुझे, सामने दिख रहे एक बालाजी, पहुंच गया भाई बालाजी के, देखो वो रहा बालाजी, लेकिन मुझे जाना उधर, तो मुझे ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और इधर गांव में आते देखो मच्छरों ने स्वागत कर दिया अच्छा वाला, बहुत सारे मच्छर स्टार्ट हो गया गिरना। यहाँ पे सीढ़ी भी है और ये रोड भी है, लेकिन रोड काफी खतरनाक वाला है, तो मुझे समझ आ रहा गाड़ी लेके ऊपर जाऊँ या गाड़ी खड़ी करके पैदल जाऊँ। भैया जो बैठे साइड में उन्होंने बोला कि गाड़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन टेक कुछ ज्यादा ही है, लद्दाख की याद दिला रहा है। तो फाइनली मेरी बाइक चढ़ गई है भाई, मेरे धनो चढ़ी क्यों नहीं, देखो कहाँ से चढ़ी है, एकदम उस पॉइंट से लेके आया हूँ मैं, वो पॉइंट दिख रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या देखने के लिए आया एक्चुअली। व्यू देख लिया ना आप लोगों ने इतनी ऊंचाई पे से, क्या मस्त वाला व्यू मिलता है। तो फिलहाल तो पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं सीढ़ियों से आता हूं ज्यादा मजा आता। जय हो बजरंगबली की, जय हो। देख रहे हो बजरंगबली की मूर्ति कितनी बड़ी वाली है भाई, हमारे बजरंगबली ऐसे थोड़े ना, बहुत बड़े बलवान थे, इसलिए देखो उनकी मूर्ति भी ऐसी बनाई गई है। बजरंगबली के पेड़ सुन जाओ तो इनके एक नाखून के बराबर भी अपने हाथ नहीं आ रहे। सही कहते हैं भगवान जी, भगवान जी भाई, भगवान जी आशीर्वाद देना, हमारा YouTube चैनल ऐसे ग्रो करता रहे और सपोर्ट मिलता रहे। मैं आ गया हूँ भाई पहाड़ के टॉप ऊंचाई, वैसे टॉप तो वहाँ पे है, वहाँ भी लोग जाते हैं, मैंने 2 आदमियों को जाते देखा है, मगर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं गाड़ी लेके आ रहा, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, मैं चलता हूँ वापस नीचे। आज फिर से गेहूं सुखाने डाल दिया गया। मम्मी ये दोनों जींस भी धो देना। फिलहाल तो ये मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मतलब क्या इतना क्या भूख लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ मेरे को बोलना क्या। टाइम हो गया भाई 11:33। फिलहाल तो खाना खाने का वक्त हो गया, खाने में कड़ी चावल और भुजिया। कितनी कड़क वाली धूप भर की छत पे, एकदम भयंकर वाली, आंख तक नहीं खोला जा रहा मेरे को। तो दोस्तों सारे आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, मैंने सुबह से अनिकेत चंद्रवंशी ब्लॉग का टी-शर्ट पहन रखा, और क्यों पहन रखा इसका एक खास रीजन है, और इसका जो टाइटल है कि माय फर्स्ट ब्लॉग, तो इसका भी एक रीजन है, वो बताएंगे आपको। लेकिन थोड़ा रुक के पहले नहा लेता हूँ, बच्चों को जाके ले आता हूँ, फिर बताएंगे आप। नहा लिया है दोस्तों, अब बताता हूँ आपको कि इसका जो टाइटल है वो मैंने ये सा रखा कि माय फर्स्ट ब्लॉग। तो दोस्तों ये माय फर्स्ट ब्लॉग रखने का कारण ये था कि कल से मैं थोड़ा शेड्यूल चेंज करने वाला हूँ, मेरा ब्लॉग है ना, मतलब जो ये वाला ब्लॉग है ना,
ये कल से सुबह 8 बजे आएगा। और ऐसा मैंने क्यों किया, इसका एक मुख्य कारण है। अभी क्या है दोस्तों, जो अपने ऑडियंस है ना वो ज्यादातर बच्चे हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, 8:30 बजे स्कूल चले जाते हैं, तो 8 बजे से अपलोड करना है मुझे। अब देखते हैं उसके बाद बीच में कुछ फर्क पड़ती है कि नहीं, फर्क पड़ता है कि नहीं, बाकी 8 बजे आएगा आपसे वीडियो। रोज इससे ज्यादा था बच्चों को लाने के लिए, लेकिन आज इससे जाना पड़ रहा है भाई। बहुत तकलीफ होती है 4 लोगों को बुलेट बिठा कराने में, मगर क्या करूं, वो खटारा खराब पड़ी हुई है। बस बहुत हो गया कि सारे ब्लॉग आज ही देख डालेगा पवन। गाइस देखो, मैंने एक बच्चे पे ना रहम कर रखा, वो बच्चा मेरे को ना साइकिल बिठा के मोजी खिला रहा है। गिराएगा नहीं ना, चल ठीक है, तेरा विश्वास कर रहा हूँ, आते हुए मैं चला लूंगा उधर से ना। आज पवन मुझे दुकान पे ले गया, क्या खिला रहा पवन, कुरकुरा। एक और ले लो, केक के लिए भी ले ले, और फिर एक निकिता के ले ले। मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम लोग क्रिकेट खेल तो रहे हो, अगर गलती से ही मम्मी के लगी गेंद, 4:50 हुआ, लिटरली मुझे बहुत तेज वाली भूख लगी हुई है, तो मैं नीचे बोला पास्ता बनाने के लिए, पास्ता बनेगा, खाऊंगा, फिर उसके बाद मार्केट जाना। मुझे भूख लग रही है, तो देखो मम्मी ने अपना वाला कुरकुरा मुझे दे दिया। पवन नहीं नहीं मुझे दिया, मुझे भूख लग रही है, तू नहीं ले सकता इसमें। मम्मी देख ले रहा, मेरी तो मम्मी का बेटा ही है। अरे मान जाना यार, केक के लिए कुछ रखना। अरे अब तुमने छोड़ा क्या, देख इसमें है क्या। पवन ने अपनी कार के लिए रैंप बनाया। देख पवन, अगर गलती से भी कार इस तरफ गिर गई ना, तो तू बढ़िया सुनने वाला आज भाषण। हट जा के गया, बच गया। गेहूं खाने के लिए देखो कबूतर आ गया एकदम प्यार से, पास्ता बन के आ गया। देखो भाई सब पास्ता की पार्टी उठा दिया। तेरे को एकदम बढ़िया कैसा लगा भाई, इतना तीखा कर रखा उसको तो। पूरा पास्ता पच गया, लेकिन गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसको अब अंदर ही कार खाने में डाल दूंगा, एकदम अंदर वाले रूम में डायरेक्ट। गाड़ी में इतने की दे रही है कि हकलाने लग गया, तो एनर्जी पूरी एकदम खत्म हो गई है। और मैं चाहे कितना भी गाड़ी को नकार दूं, लेकिन देखो मच्छर इनको इतने पसंद है ना ये वाले कलर। भाई अंदर खड़ी कर दे, फालतू में थके मत, उतार के चल, मैं धक्का देता हूँ, ठीक है, चढ़ जाइए। जय माता दी। बड़े दिनों बाद भैया को आ रहे थे मीठे खाने के लिए, और भैया ने मीठी खत्म कर रखी है, और पानी पूरी तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो सीधा निकलते हैं यहाँ से मार्केट सब्जी मंडी की तरफ। आज मीठी नहीं खाई, देखो यहाँ पे इडली सांभर वाले भैया मिल गए। अब यहाँ पे या तो इडली खाऊंगा या तो फिर मैं डोसा खाऊंगा। इनका मेन्यू कार्ड तो कुछ ज्यादा ही महंगा यार, मसाला डोसा 50 रुपए, इडली 2 पीस 40 रुपए, ये आया भाई 40 रुपए में 2 इडली। मेरे को उतना कोई खास तो लग नहीं रहा देखने में, अब इसका टेस्ट देखते कैसा। A few moments later. यहाँ की इडली खाने के बाद दिमाग का दही हो गया बुरी तरह से। वो वाला बंदा तो हैंग हो गया जो मेरे साथ आया था ना, और सोचा था मैं घर लेके जाऊंगा, लेकिन नहीं, घर वालों को भाई इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता मैं, पता चला मम्मी लोगों को भर भर के गाली दी। सब्जी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया भाई, थैला पूरा भर गया, बंदा परेशान हो रहा मेरे चक्कर में। वो कह रहा है यार कि तू ब्लॉग बना चलता रस्ते में यार, बहुत टाइम लेता। अब जिसका ब्लॉग बनाने का काम है तो ब्लॉग ही बनाएगा नहीं यार, तो मार्केट आते हैं अपन ब्लॉग बनाने के लिए। तो फिलहाल चलते घर भाई, रात हो रही है। फिलहाल तो मैं मार्केट से आ गया हूँ, 6:56 हुआ भी, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगा क्योंकि सुबह से गाड़ी चला चला गया, थक गया हूँ। वैसे तो नहाने की इच्छा कर रही थी, मगर ठंड लग रही है, तो थोड़ा हाथ मुंह धो लिया, फ्रेश हो गया भाई। अब चिड़चिड़ापन थोड़ा कम हुआ, वरना ना बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था अंदर। इसे कहते सोने पे सुहा गया, हाथ मुंह धो लिया, चाय भी आ गई, अब चाय पीते थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाएगा इससे। फिलहाल तो भाई खाना खा लेते हैं, खाने में आ गया भाई, मिक्स वेज है और रोटी है, और वो देखूंगा खड़ा लाइट बंद चालू करने के लिए, रुक तो जाएगा, ब्लॉगिंग चल रही है। डिनर कर लिया भाई, अब देखो क्या बिस्तर कर रहा। फिलहाल टाइम हो गया 8:39, सॉरी मुझे आज थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल वीडियो 8 बजे डालना है, मतलब 8 बजे के हिसाब से मुझे आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो 8 बजे आने वाला, तो इसलिए इसका टाइटल मैंने रखा माय फर्स्ट ब्लॉग। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।